अरे नहीं, कुछ कोई तुमताम नहीं हुआ, कोई तुमताम नहीं हुआ है। ये आप इसी लायक नहीं थे, आपको मुख्यमंत्री मैंने बनाया। नहीं, भाषा का ख्याल नहीं, कोई ऐसा भाषा अमर्यादित उन्होंने नहीं बोला है। बीजेपी के लोगों ने और एनडीए के लोगों ने सत्र को न चलने देने का कसम खाया है। इस देश का प्रधानमंत्री अपने शादी करके अपनी महिला को, अपने पत्नी को छोड़े हुए हैं, उस पार्टी के लोग क्या क्या कहते हैं ये आपको सोचना होगा। और जिस तरह तो चूंकि आज धनतेरस है, तो मैं सबको, आपको और पूरे बिहार वासियों को अपने तरफ, अपने पार्टी और महागठबंधन से शुभकामना देना चाहेंगे धनतेरस के दिनों के। आज सत्र का जैसे ही शुरुआत हुआ, प्रारंभ हुआ, बीजेपी के लोगों ने और एनडीए के लोगों ने सत्र को न चलने देने का कसम खाया है। उनको न देश की जनता से, न बिहार की जनता से मतलब है, न उनकी समस्याओं से मतलब है, सिर्फ और सिर्फ फिर गद्दी कैसे केंद्र में मिले इसके लिए वो रणनीति बनाने का काम करते हैं। देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, देश के किसान कराह रहे हैं और किसानों के उपज का सही दाम नहीं मिल पा रहा है। इन सब सवालों पर उनका कोई जवाब नहीं है, सिर्फ जवाब है, सवाल है गलत काम पर। और माननीय मुख्यमंत्री जो कुछ कहा है उस पर उन्होंने सही कहा है, कहीं गई कोई गलत कहीं नहीं कहा है। और एक तरफ जहां माननीय मुख्यमंत्री जी सार्वजनिक रूप से एक्सक्यूज कर चुके हैं उस पर सवाल करना बेकार था, लेकिन आज भी जिस तरह से ये हल्ला हंगामा कर रहे हैं, जिस देश का प्रधानमंत्री अपने शादी करके अपनी महिला को, अपने पत्नी को छोड़े हुए हैं, उस पार्टी के लोग क्या क्या कहते हैं ये आपको सोचना होगा। और जिस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है, देश की सारी संपत्तियों को अडानी अंबानी के हाथों बेचने का काम कर रहे हैं, 2000 लाख करोड़ का इन्होंने उनको माफी देने का काम किया, माफ करने का काम, कर्ज माफ करने का काम किया। देश की गाड़ी कमाई का जो पैसा है अडानी अंबानी को पंप किया जा रहा है। आज सदन चल रहा था, बिहार की समस्याओं का, सारे विधायक को इसलिए चुना जाता है, 243 हमारे माननीय विधायक हैं सभी दल के, सब अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को लेकर सदन में रखने का काम करते हैं। इनको कोई चिंता नहीं है कि हम आज कई सवाल को लेकर आए थे। हमारे यहाँ आज कटाव हो रहा है मनेर विधानसभा क्षेत्र में, जो 6 पंचायत है हमारे यहाँ मनेर प्रखंड में, वहाँ कटाव निरोधक कार्य के लिए मैंने सरकार से सवाल किया था और सिंचाई विभाग से, उसका भी बहुत ऐसे ऐसे कई महत्वपूर्ण सवाल थे सभी माननीय विधायकों का, लेकिन इनको बिहार की जनता से कोई मतलब नहीं है, विकास से कोई मतलब नहीं है। ये तो कहाँ अब तुमताम करने की बात आई है। अरे नहीं, कुछ कोई तुमताम नहीं हुआ है, कोई तुमताम नहीं हुआ है, यह बात नहीं है। जो देश, जो बिहार का मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा देकर और दूसरे को अगर मुख्यमंत्री बनाता है तो उनको तो निश्चित रूप से जो सच्चाई है उसको तो कहना ही पड़ता है ना, कि आप किसी लायक नहीं थे, आपको मुख्यमंत्री मैंने बनाया। नहीं, भाषा का ख्याल नहीं, कोई ऐसा भाषा अमर्यादित उन्होंने नहीं बोला है जो निंदा का विषय बने। कैसा, कौन, आप लोग जानते होंगे इसी देश में कई ऐसे जगह आए हैं, यही माझी जी जब मुख्यमंत्री थे और कई जगह कहे जब मंत्री थे, गए तो दलित को घुसने नहीं दिया, घुसने दिया तो फिर मंदिर को आरएसएस वाले लोगों ने और बीजेपी वालों ने उनको धोने का काम किया है। ये कैसा दलित प्रेम करना चाहते हैं? देश में राजनीति ऐसे नहीं चलेगी। दलितों को, महादलित को और पिछड़े, अति पिछड़ा को और जिस जाति में गरीब जो लोग हैं उसको हमेशा सम्मान, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव और महागठबंधन के सभी नेताओं ने देने का हमेशा काम किया है। और जो ये जातीय गणना जो हुआ है, देश में एक बिहार नजीर पेश करने का काम किया है, उसमें आरक्षण का जो प्रावधान किया गया है उससे बिलबिलाए हुए हैं। कल तो एक्सपोज होना चाह रहे थे लेकिन एक्सपोज नहीं हुआ। उनके नेता लोग आए थे विधान परिषद से गुहार लेकर कि सिखाने के लिए कि भाई ऐसे नहीं बोलो, ऐसे नहीं बोलो, ऐसे नहीं बोलो, तब जाकर वो बिल पास हुआ। ये लोग तो विरोध करना चाहता है, इनकी मानसिकता गरीबों के खिलाफ है, हमेशा आरक्षण के खिलाफ रहा है,
जब हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव आरक्षण मंडल कमीशन को लागू कर रहे थे और देश में जागरूकता पैदा कर रहे थे, तो ये कमंडल लेके घूम रहे थे। तो ये लोग तो आरक्षण विरोधी है, हम लोग आरक्षण देने वाले लोग हैं। क्या आप अभी माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें, ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले आईवीएफ उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।